तो आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर हो गई है। मुझे पता है कि आज शाम को आप लोग डिबेट चलाएंगे, फ्री भी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ, एक तरफ अगर बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत इतनी इंप्रूव हुई, एक तरफ अगर रेवेन्यू इतना बढ़ गया, एक तरफ इतने ट्रांसफार्मर लग गए, आपको 24 घंटे बिजली मिल गई, तो ये फ्री इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ईमानदार सरकार को वोट दिया था। आज हम पैसे दिखाते हैं, जो पैसे बचते हैं उस पैसे को आप लोगों को दे रहे हैं। जितने हमारे देश के नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े जितने हमारे देश के बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी बिजली फ्री है, उसको कोई फ्री भी नहीं कहता। मैं केवल ये कर रहा हूं कि मेरे आम आदमी को भी, जो कि 24 घंटे मेहनत करके किसी तरह से अपने घर में अपने बच्चों को पालता, अपना घर चलाता है, उसको मैं वही सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे देश के नेताओं और अफसरों को मिल रही है, तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अगर मैं इस देश के आम आदमी को खास आदमी वाली सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि आज का ये जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक है कि एक तरफ बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ और दूसरी तरफ लोगों को उसका 24 घंटे बिजली भी मिल रही है और सस्ती बिजली भी मिल रही है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो एक्चुअली वो उसके कई सारे वो हैं, फॉर्मूले हैं, मोटे मोटे तौर पे 50 बन रहा है, नीचे किसी का नहीं है, 50 से ज्यादा काफी है। अभी आपको चार्ज दे देंगे सारा। मैं बता देता हूँ, 200 यूनिट का जो आज परसेंट जो मिला रहा था, उससे भी 250 यूनिट का 700 ये देखिए, जो ये बता रहे हैं 250 यूनिट वाले को लगभग 80% बिल में कमी आएगी, 300 यूनिट वाले को 67%, 350 यूनिट वाले को 50%, 400 यूनिट वाले को 52%, 50% के ऊपर ऊपर सबका रहेगा। ये एक्चुअली हर महीने इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो जो डेटा है उसके हिसाब से अगस्त के महीने में लगभग 35% कंज्यूमर हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं, और ये बढ़ते बढ़ते सर्दियों के महीने में लगभग 70% हो जाते हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं।